परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, ये भगवान की सृष्टि शुभारंभ कैसे हुई है? और जैसे इस सृष्टि का प्रश्न किया, अभी तक सुखदेव जी महाराज ने मंगलाचरण नहीं किया। बोले मंगलाचरण क्यों नहीं किया? मंगलाचरण करना भूले नहीं है सुखदेव जी महाराज, मंगलाचरण नहीं किया उसका केवल एक कारण था। सुखदेव जी सोच रहे थे, बोले परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिला हुआ है। अच्छा भैया एक बात बताना, किसी को ये पता हो कि हमको 7 दिन में मरना है, बताओ कथा में मन लगेगा उसका? लगेगा क्या है? लगेगा क्या? परीक्षित को पता था कि हमको 7 दिन में मरना है। सुखदेव जी देख रहे थे कहीं परीक्षित के मन में मरने का भय तो नहीं है, और कहीं मैंने कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया और इनके मन में मरने का भय हुआ तो इनका कथा में मन नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही परीक्षित जी ने निवेदन किया, गुरुदेव ये भगवान की सृष्टि का शुभारंभ कैसे हुआ, सुखदेव जी समझ गए अब परीक्षित जी के मन में मरने का बिल्कुल भय नहीं है। जो सृष्टि की बात कर रहा है, समझ लो इनका मरने का भय समाप्त हो गया है। तब मंगलाचरण किया है, और मंगलाचरण करने के बाद कहा, परीक्षित सबसे पहले सृष्टि का शुभारंभ कहां से होता है? पहले दिन बताया तो भूल तो नहीं गए? इस सृष्टि को बनाने वाले कौन है? भगवान से सैया पर सहन कर रहे हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, चारों तरफ जल ही जल है, और भगवान की नाभि से कमल दंड निकलता है और उस कमल दंड में से ब्रह्मा जी महाराज का प्राकट हो जाता है। ब्रह्मा जी ने देखा चारों तरफ कुछ ही नहीं है, केवल जल की दो बूंदे गिर रही हैं, आवाज आ रही है तप 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 तप, ता और पा मिला के तप हो जाता है। ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण का तप किया, भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा, ब्रह्मा तुम्हारे लिए सृष्टि को आगे बढ़ाना है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अहमे बा समे बाग्रे नान्यम यद सद सत परम। लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे अंदर अहम नहीं आना चाहिए। ऐसा ना हो मैं तुम्हारे लिए सृष्टि को आगे बढ़ाने वाला, सृष्टि का पालक बना रहा हूं, तुम सोचने लगो कि मैं ही सब कुछ हूं। हाँ तुम तो कौन हो? जैसे होते हैं मुख्यमंत्री है? और फिर मुख्यमंत्री के मंत्री अलग रहते हैं, अलग अलग विभाग रहते हैं, आपका वित्त विभाग है, आपका गृह विभाग है, सबके विभाग अलग अलग होते हैं। ब्रह्मा जी तुम्हारा विभाग कौन सा है? बोले तुम्हारा विभाग है सृष्टि का। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर अभिमान आ गया, उसी दिन मैं तुरंत तुम्हारे विभाग को अपने पास में ले लूंगा। अहमे वा समे वाग्रे, तुम्हारे अंदर अहमान नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में केवल भगवान नारायण रहते हैं, बीच में अनेक हो जाते हैं, और अंत में भी केवल नारायण ही बचते हैं। और बंधुओं ये बात सच है, जितनी अच्छी भगवान की सृष्टि है, पता नहीं भगवान ने जब सृष्टि का निर्माण किया होगा तो बड़े सोच समझ के किया होगा। हाँ जितने भी सांसे है ना, सब अलग अलग बनाए होंगे, और कहीं एक जैसी सृष्टि होती बताओ कोई किसी को पहचान पाता? कुछ ना कुछ अलग कर दिया, किसी की नाक अलग, किसी की आंख अलग, किसी के कान अलग। हाँ पर बात सच है, भगवान की जो सृष्टि है, इतनी सुंदर सृष्टि भगवान ने बनाई। लेकिन कई लोग प्रश्न कर देते हैं, कहा महाराज एक बात बताओ, जब भगवान ने सृष्टि बनाई तो सृष्टि में भेद क्यों कर दिया? कहा क्या भेद? बोले भगवान ने ये भेद नहीं किया, किसी के पास खाने को है तो उसके पास खाने वाला नहीं है, और जिसके पास खाने वाला है उसके लिए खाने को नहीं है, ये भेद नहीं है। बंधुओं ध्यान देना, भगवान ने सृष्टि में भेद नहीं किया। अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले।